राहुल गांधी एक ऐसे चंद्रयान है, लॉन्च तो हर बार होता है ठीक है, लेकिन लैंड एक बार नहीं कर पाते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है राहुल गांधी, हमको तो लगता है बिहार के नीतीश कुमार बोल रहे हैं ना, चंद्रयान का हमको पता नहीं है, राहुल गांधी बोल रहे हैं नेहरू जी की है, तो सुनिए वो बात बताते हैं। एक मिनट, नेहरू जी का मृत्यु हुआ है 1964 में ठीक है, इसरो बनाए 1969 में, और ये लैंड किया है 2023 में चंद्रयान ठीक है। नेहरू जी का भूत किया था भूतनी के, क्या बोल रहे हो तुम लोग, मतलब नेहरू जी तो मर गए, इसरो बाद में बनाए भाई, इसरो हम लोग बनवाए, हम लोग कर रहे हैं और सब हम लोग का काम दिया हुआ है। अरे सर देखिए, आपने कहा क्यों करते हो मोदी, देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बन रही है इसलिए करते हैं मोदी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बन गए इसलिए करते हैं मोदी, 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए इसलिए करते हैं मोदी, इन जिन देशों के झंडों पर चांद है हमारा झंडा चांद पर है इसलिए करते हैं मोदी, देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर आ गया है इसलिए करते हैं मोदी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश तीसरे नंबर पर आ गया है इसलिए करते हैं मोदी, 40 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन के तहत लोन मिला इसलिए करते हैं मोदी, 14 करोड़ शौचालय बने 9 साल के अंदर इसलिए करते हैं मोदी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री 5 लाख का आयुष्मान योजना, क्यों ना करें मोदी। जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो लेके आपके साथ आया हूँ, मैं हूँ भारत। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, पहले मैं एक चेतावनी दे रहा हूँ, जो भी कांग्रेसी है इस वीडियो को धो चके तो मत देखिए, क्योंकि इसमें कांग्रेस को इतना धोया है कुछ नौजवान ने देश के, मतलब क्या ही बताऊँ। वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कौन किसको जिताएगा, ये सबका मन में है, और क्योंकि आपका अंगूठी में पावर है, आप जिसको वोट देंगे ये आपका अधिकार है, देर नहीं करेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और क्या क्या होता है क्या क्या बोलते हैं आपको सुनकर हैरान हो जाएंगे। वीडियो देख के अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करना, और ताकि मुझे और वीडियो लाने का एक हौसला बढ़े, और दूसरी बात है कि आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल पर प्लीज़ शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मेरा एक सब्सक्राइब आने से बहुत कुछ मुझे मिलता है। चलिए हम वीडियो प्ले करते हैं, लेट्स गो। हमारा हौसला नहीं टूटा था इसलिए कहना चाहता हूँ, उन्हें घुमाए कि हमारी उड़ान कुछ कम है, हमें यकीन है कि आसमान कुछ कम है, और ये भारत के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया, पाकिस्तान जो किलस रहे हैं और जो लोग किलस रहे हैं वो किलसते रहे, पर भारत का झंडा चांद पर है और रहेगा। तुम झंडों पर चांद बनाते रहो। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं ना, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि चंद्रयान तो भेज दिया, अब मोदी को भी चांद पे भेज देंगे। भाई साहब मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी को भेज देना चाहिए था चांद पर, उसके साथ थोड़ा बहुत योगदान आ जाता कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि गालियां तो दे रहे हैं अभी वैज्ञानिकों को, शायद अगर राहुल गांधी उसके साथ चले जाते तो थोड़ा बहुत योगदान हो जाता। और दूसरी चीज मेरी बात सुनिए, आज पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, मनमोहन सिंह की सरकार में वो सीज फायर करता था, और मोदी जी की सरकार में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है कि भाई साहब दे दो, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पर। आज ये हालत हो गई है मोदी जी की गवर्नमेंट में। कांग्रेस की हालत क्या होगी, क्या लग रहा है भाई साहब, 400 सीटों वाली पार्टी 40 पर आ गई है, और बहुत ही जल्द 2024 में पीछे से जीरो हट जाएगा, 4 सीटें रह जाएंगी, बीजेपी की भाई साहब 450 पार है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, 24 में 400 पार। देखिए मेरी बात सुनिए, अमेठी से राहुल गांधी की जमानत जब्त हो गई, और राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है 9 से 12 फुल इंटरटेनमेंट, अगर कोई कपिल शर्मा को टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी है। आटा लीटर में बांट देता है, चील कौओं को रोजगार दे देता है, समंदर में छलांग मार देता है, और क्या बताए, फुल इंटरटेन भाई साहब। राहुल गांधी वो, अरे बराबरी भी नहीं कर सकता उसकी, राहुल गांधी की बराबरी करनी होगी तो हम बराबरी करेंगे भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से, पप्पू से बराबरी करेंगे क्या, पप्पू से बराबरी करेंगे क्या, जिनकी मम्मी ऐसे बोलती हूँ ये मेरे भारत के लोग जो नेता इटली से आ रखे हैं उनकी बराबरी करेंगे क्या। एक बात बताइए, सुनिए, मोदी जी ने हिंदी नहीं आती, वो हिंदी में तो बोल रही है, एक औरत जिसको हिंदी नहीं आती हिंदी में तो बोल रही है, राहुल सुनिए, राहुल गांधी अमेरिका में
में जाकर कहते हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई साहब, जिस देश में नेता इटली से आ जाता हो, सोनिया गांधी कहाँ से आई, जिस देश में नेता इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं, ऐसा कौन और कैसा लोकतंत्र चाहिए भारत के अंदर। वो पार्टी है जो कि हर देश का जो अंतिम आदमी है, सबको चुम्मा देती है, ऐसी पार्टी है। हाँ, कांग्रेस ऐसा मोहब्बत का दुकान खुला है, ठड़की बन गया है, सबको चुम्मा बांटते हुए चल रहा है। अरे भाई, देश का जनता को चुम्मा नहीं चाहिए, देश का जनता को काम चाहिए। जो मोदी जी काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, चुम्मा चाटी नहीं चाहिए ना देश की जनता को, देश की जनता को काम चाहिए, चांद पे हम लोग का झंडा चाहिए, ये चाहिए। जो भाई साहब, इस प्रकार के शब्दों का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। मैं ना खाता ना बही, ना खाता ना बही, जो राहुल गांधी कर दे वही सही। भाई साहब, हम भाई साहब, हम देखो देश के अंतिम आदमी को साथ लेकर चलते हैं, और ये वो लोग हैं जो देश के बिजनेसमैनों को कॉर्पोरेट सेक्टर से चंदा लेके अपने गुजारा चलते हैं। ये वो पार्टी है, पहले ये दुकानदारों से चंदा लेते थे, अब ये कॉर्पोरेट सेक्टरों से चंदा लेते हैं, फिर उसके बाद में अडानी अंबानी से चंदा लेंगे। 24 में कौन आ रहा है भाई साहब? राहुल गांधी आ रहे हैं, और राहुल बच्चा, राहुल बच्चा है, बच्चा 53 साल के हैं, बच्चा है वो 53 साल के, तो बाप तो वही है ना, उसके आगे तो बच्चा है, मोदी जी मोदी बाप है, बच्चा है वो, राजीव गांधी बाप थे, बच्चा है। जिसको भारत की सभ्यता नहीं पता है, मीडिया के सामने चुम्मी ले रहा है बहन की, शर्म आनी चाहिए, वो संभालेगा भारत को? भैया मोहब्बत सड़क पे, अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए, मोदी जी का कोई टक्कर नहीं है, मेरी बात सुनिए, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये पहले हुए उनके पंख बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके ओनर बोलते हैं। मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी का काम बोलता है। एक मिनट, एक आदमी, एक औरत को हम नमन करना चाहते हैं जिनका नाम है सोनिया गांधी। पहली बार हाथ जोड़ के नमन करते हैं। देश में एकमात्र ऐसी माँ है जो अपने बेटा को 53 साल दिए ओनली टू बिकम मैच्योर। अभी मैच्योर नहीं हुआ, बोल रहा है भारत माता का हत्या हो गया, दिमाग से नहीं, दिल से बोला था भारत माता का हत्या हो गया, दिल भी नहीं है उसके पास, ठीक है? अरे भाई, हम लोग कह रहे थे कौन भारत माता का हत्या कर देगा, सोचने वाला बात है ना? भारत माता थी, है और भारत माता रहेगी। राहुल गांधी नेहरू ही हत्या करते हैं, ठीक है? दूसरी बात, बोलते थे कि हम दिमाग से नहीं दिल से बोलेंगे। देश की जनता को यह समझना है आपको किसको वोट देना है, जिसका दिमाग साफ है या जिसका दिल साफ है? मोदी जी का दिल साफ है, राहुल गांधी का दिमाग साफ है, तो जिसका दिमाग साफ है उसको जनता वोट नहीं देने वाले। भारत ने तो चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, ये राहुल गांधी कब लॉन्च होंगे? राहुल गांधी एक ऐसे चंद्रयान है, लॉन्च तो हर बार होता है, ठीक है, लेकिन लैंड एक बार नहीं कर पाते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है, राहुल गांधी, हमको तो लगता है बिहार के नीतीश कुमार बोल रहे हैं ना, चंद्रयान का हमको पता नहीं है, राहुल गांधी बोल रहे हैं नेहरू जी की है, तो सुनिए वो बात बताते हैं। एक मिनट, नेहरू जी का मृत्यु हुआ है 1964 में, ठीक है, इसरो बना है 1969 में, और ये लैंड किया है 2023 में चंद्रयान, ठीक है? नेहरू जी का भूत किया था भूतनी के, क्या बोल रहे हो तुम लोग? मतलब नेहरू जी तो मर गए, इसरो बाद में बना है भाई, इसरो हम लोग बनवाए हैं, हम लोग कर रहे हैं, और सब हम लोग का काम दिया हुआ है। अरे कांग्रेस भैया सुनिए, कांग्रेस पार्टी चोर है, इसलिए कहना चाहता हूँ, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पूरी कांग्रेस पार्टी चोर है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पूछे क्यों? प्रधानमंत्री जी ने चोरी करी है, 140 करोड़ देशवासियों का दिल चुराया है, पर इन लोगों ने ऐसे जेड तक कोई अच्छर नहीं छोड़ा जिस नाम से घोटाला ना कराओ। आप मेरी बात सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी का गुणगान गा रहे हैं, 60 साल में शौचालय तक नहीं दे पाई कांग्रेस पार्टी, हमारी देश की महिला बेटियों को 6 बजे का वेट करना पड़ता था, कब शाम होगी, कब सोच के ले जाएंगे। जिस राहुल गांधी की आप बात करो, उसे चुम्मे लेने से फुर्सत नहीं, चला देश कैसे चलाएगा वो, चुम्मे फ्लाइंग किस, ये किस, वो किस, अपनी बेटी को, अपनी बहन को भी शर्म आ रहा है, आ जाए इधर को। मैं कहा कमाल, वो सब ठीक है, मुद्दे पे बात करो, क्या लग रहा है 9 साल में मोदी सरकार, क्या मोदी सरकार का 9 साल कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बेमिसाल, बेरोजगारी बिल्कुल खत्म है, किसी को कुछ काम करना ही नहीं है तो भैया वो तो बेरोजगार है ही, अगर किसी को बेरोजगारी लग रही है तो चलो भैया मेरे पास 4 गाड़ी खड़ी है, मैं दूंगा सैलरी, अच्छा समझे, मैं बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है। राहुल गांधी क्या मुद्दा उठाते हैं बार बार, बेरोजगारी तो उठाएगा, और चाहिए क्या? कोई ना कोई तो मुद्दा ही उठाना, कभी राफेल का उठा लेगा, कभी बेरोजगार, वहां पे राजस्थान में 1 रुपए एकड़ जमीन खरीद, दिन के दामाद ने, रॉबर्ट वाड्रा, उसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं है, कुछ नहीं करा उसने, कहां से आ गया? चौबीस में क्या लग रहा है भैया, क्या करोगे? चौबीस में पूछने की जरूरत ही नहीं है, किया हुआ है, पहले तय किया हुआ है,
गवर्नमेंट हम लोग बना चुके हैं 24 में, अभी से बना चुके हैं, बिल्कुल बना चुके हैं। वोटिंग कहाँ हुई है? वोटिंग बिना वोट, अरे वोटिंग वोटिंग करता कौन है? वोटिंग हम जैसे जनता करते हैं ना। आप वोटिंग बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अब यही वोटिंग कर लो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट दिखा रही है बोलना भैया, क्या लग रहा है? अरे मोदी आएंगे 2024 बारे में। मोदी मोदी बोलोगे ना सब अंधभक्त बोलेंगे। अंधभक्त यहाँ पर कौन है? कांग्रेस वाला सपा वाला कौन है? कौन है पूछिए, कोई है? कोई नहीं, वो सब भग जाएंगे ऐसे, वो भी भग जाएंगे। आप अपने आपको राष्ट्रभक्त अभी बोल दीजिए, ठीक है? अभी कुछ चाटुकार जो घूम रहे होंगे ना, आपको बोल देंगे मोदी भक्त है आप, ठीक है? यही एजेंडा। और सुनिए, राष्ट्रभक्त होना अंधभक्त हो जाता है सर, हो जाता है अंधभक्त हो जाता है, मोदी भक्त हो जाता है। पप्पू के दिमाग का कोई नहीं कस पाया है नट, ना बहु मिली है ना कोई मिलेगा बहुमत, ठीक है? बोलता है हम सावरकर नहीं है, तो सावरकर बनने का सबसे पहला शर्त है देशभक्त होना, जो कि तुम हो नहीं। और सावरकर जितना साल तक जेल था ना, उतना सारा तुम विदेशी मेले से एंजॉय कर रहे हो। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रहा है। अरे सुनिए, आप रोजगार की बात करते हैं, इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार पता है किसके पास है? राहुल गांधी के पास। सबसे बड़ा नफरत का बाजार में सबसे बड़ा अगर कोई मोहब्बत का दुकान खुला है तो राहुल गांधी, और उसी दुकान में हम भी काम करते हैं, तो उसके पास सबसे बड़ा रोजगार है, हम लोग को भी वो रोजगार दिया। अब मोहब्बत का दुकान ऐसा खोला है कर्नाटक में, एक जिले में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवा देता है, जिसके रैली में खालिस्तान जिंदाबाद लगे, ओबीसी के रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद लगे, तो सर इससे बढ़िया मोदी भक्त होना मंजूर करते हैं। सर देखिए, आपने कहा क्यों करते हो मोदी मोदी, देश में डेली 30 किलोमीटर रोड बन रही है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बन गए, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। इन जिन देशों के झंडों पर चांद है, हमारा झंडा चांद पर है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2रे नंबर पर आ गया है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश 3रे नंबर पर आ गया है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। 40 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन के तहत लोन मिला, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। 14 करोड़ शौचालय बने 9 साल के अंदर, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री 5 लाख का आयुष्मान योजना, क्यों ना करें मोदी मोदी। महिला फूक फूक के गैस लकड़ियों का धुआं ले ले करके फेफड़े खराब करती थी, आज उनके लिए किसी ने सोचा है, उनको गैस सिलेंडर किसी ने दिया है तो मोदी जी ने दिया है, क्यों ना करें मोदी मोदी। सर सुनिए, बताए देश दुनिया में बढ़ चढ़ कर ऐसा नाम करेंगे, हमारे मोदी जी ऐसा काम करेंगे, ठीक है? अब बहुत दुनिया भर में नाम होगा, लेकिन अपने ही कुछ लोग ऐसे ही लोग उन्हें बदनाम करेंगे। सर आज गेट में चंद्रयान पे हमारा झंडा गया है, ठीक है? लोग चांद पे झंडा लगाता है, झंडा पे चांद लगाता है, हम लोग चांद पे झंडा लड़ा के आए हैं। हमारे लिए सौभाग्यशील बात है, जिस टाइम में इसरो के साइंटिस्ट को लोग सजा दे रहा है, उस टाइम में हमारे भारत के प्रधानमंत्री उन लोग को हौसला नहीं हारने दी, उनको मजबूती से खड़ा करवाया, ठीक है? और आपको बता दे, आने वाला टाइम में हमारा भारत इतना स्ट्रांग होने वाला है, जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री जी दिए, उसके बाद जय विज्ञान उसमें ऐड किए अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोदी जी बोले जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान, और आज के डेट में चारों का अगर स्लोगन लेकर चल रहे मोदी जी, तो उसको देश का जनता पूरा समर्थन कर रहा है, ठीक है? बिल्कुल। आज अगर पाकिस्तानियों में बवासीर हो रही है तो उसका सिर्फ एक रीजन है, नरेंद्र मोदी। पूछे क्यों? रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीत से दूर हटा कर रखा है और दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। प्रधानमंत्री शेर का बच्चा है भाई साहब, ये मेमने कीदड़ भालू ये सब टक्कर लेंगे क्या? बात कर रहे हैं ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी ईरानी और ये चाउ माऊ चीनी वीनी हमसे क्या टकराएंगे? चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। राहुल गांधी बोल रहे हैं चीन की सेना भारत की धरती पे घुस रही है और जमीन हड़प रही है। भाई साहब राहुल गांधी को बीमारी हो गई है, बहुत गंदी वाली बीमारी हो गई है, जो लाइलाज है उसका कोई इलाज नहीं है। उनकी सिर्फ और सिर्फ शादी करा दीजिए, 54 साल के वो हो गए हैं, 6 साल बाद उनके रिटायर हो जाएंगे और अभी भी उनको युवा नेता बना के रखा हुआ है। अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखना है, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप देख लीजिएगा। और फिर से एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत।